patients बहुत अच्छे हैं. Please, I humbly request you, please law and order maintain करिए. देखिए, जब कोई गवर्नमेंट सर से पांव तक फेल हो जाती है, उसे जीडीपी नहीं संभलती है, लेकिन फिर भी हर हालत में वो एक फेलियर सरकार होने के बावजूद जब वो सत्ता में रहना चाहती है तो उसके पास एक ही हथकंडा बचता है कि वो हिंदू मुस्लिम करे. उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को दबाना और एक कम्युनिटी को यहाँ से एक्सक्लूड करना है. चाहे और ये जो प्रोसेस है उनका सिर्फ आज नहीं शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ पे वार करते जा रहे हैं. चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो, उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ से मुसलमानों का नामो निशान मिटाने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. इस सरकार में इंटेलेक्ट की बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के टाइम में 1971 को देख रहे हैं. आप बताइए, 1971 के समय की बात है, आप उससे पहले के कागज मांग रहे हैं ये बताने के लिए कि क्या मैं भारतीय हूं कि नहीं हूं. If you go through this bill, it is completely inhuman and unconstitutional as well as anti-Muslim. I'm specifically saying this, it is anti-Muslim because the very Hindutva ideology, it is a rigid nationalistic idea in which Muslims and other communities were treated to be others and outsiders. तो हम बता देना चाहते हैं कि हम जो पढ़े लिखे तबके हैं इसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि आपका फासिस्ट जो एजेंडा है, जो हिटलर शाही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट करते हैं हम.